देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामले तेजी से बढ़े हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश की चिंता बढ़ा दी है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 47,262 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,17,34,000 से भी ज्यादा हो गई है, जबकि 275 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,60,441 हो गई है। वहीं देश में सक्रिय मामले 3,68,457 हैं। कोरोना वायरस के चलते आज से ठीक एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च की रात 8 बजे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था। रेलवे, हवाई जहाज, दुकानें, बसें, कारखानों और हजारों कंपनियों समेत लगभग सभी जरूरी साधनों को बंद करना पड़ा और लोग घरों में कैद हो गए थे, यानी एक चलता फिरता भारत अचानक ठप सा हो गया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत ने राजद सुप्रीमो सह पूर्व सीएम लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले RC-47A-96 में मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 26 मार्च को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में करीब 35% सरकारी पद रिक्त हैं, ऐसे में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने इसके लिए पूर्व की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। कोरोना को देखते हुए पर्व त्योहार में झारखंड में खासी सख्ती बरती जा रही है। होली, शब ए बारात जैसे पर्व त्योहार को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू करने का फैसला लिया है। इस दौरान भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम नहीं करने, जुलूस, रैली के अलावा डीजे और तेज आवाज में गाना बजाने पर रोक रहेगी। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच सूबे के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री सह शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं भाजपा नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में कथित भ्रष्टाचार मामले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में मंगलवार को 6.25 घंटे के जद्दोजहद के बाद पास हुए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने सदन को बताया कि विपक्ष को इस कानून को पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए। इसके बाद उन्हें यह एहसास होगा कि यह विधेयक कष्ट देने वाला नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करने वाला कानून है। 302 अंक नीचे खुला सेंसेक्स निफ्टी 14,700 के करीब। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 3 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रांची डीसी छवि रंजन ने 25 से 27 मार्च 2021 और 2 मई 2021 को जिले में ड्राई डे घोषित किया है। उन्होंने आदेश दिया कि ड्राई डे घोषित इसलिए किया जा रहा है ताकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से किए जा सके। बिहार विधानसभा में हंगामे को लेकर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, मुख्यमंत्री आरएसएस और भाजपामय हो चुके हैं। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।